मध्य प्रदेश में कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स को 9 महीने कोरोना की ड्यूटी के बदले में सजा मिली तो वो लाठियां। और यहां पर जो प्रदर्शनकारी यहां पर अपनी मांगों को लेकर नियमितीकरण की मांग कर रहे थे उनको यहां के सजा के तौर पर पुलिस ने यहां पर खदेड़ा और साथ में लाठीचार्ज किया। इसमें कई लोग भी घायल हो गए। कुछ लोग और यहाँ साजानी पार्क में जो प्रदर्शन कर रहे थे नीलम पार्क में, उनसे बात करेंगे क्या हुआ था आपका। जी, हम यहाँ पर जब प्रदर्शन करने के लिए जब हम एकत्र हुए तो उसके बाद में पुलिस कर्मियों ने आकर के हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से जो हमारे साथ में फीमेल जो स्टाफ भी थी उनके ऊपर और जो मेल स्टाफ था सभी के ऊपर उन्होंने जुमा जप्पी करी और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। उसके अंदर जो हमारे साथ में जो कुछ थे उनके साथ में दूध मुहे बच्चे तक थे, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर भी राम नहीं खाया और उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत जोर जोर से उन्होंने लाठियां बरसाई और उसके अंदर कई घायल हुए हैं और उन सभी को उठा करके उन्होंने जेल में डाला है। और ये हमारे मध्य प्रदेश शासन है, उन्होंने जो हमारी जो 9 माह की जो सेवाएँ थी जिसके अंदर हम कोरोना के पेशेंट के बीच में रह करके शुरू से लेकर के कोरोना का पेशेंट से स्टार्टिंग से लेकर के उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करके घर भेजने तक के अंदर हमारे सभी साथी ही थे, उन सभी को उठा करके उन्होंने जेल में डालने का हमें एक बहुत ही नायाब तोहफा दिया है। तो अब हमारी शासन से हमारी बस एक ही मांग है कि अगर आप ऐसा ही कर रहना चाहते हैं और आप अगर हम सभी को अगर जॉब से निकालना ही चाहते हैं तो जो हमारे साथी जिन्होंने जो बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उन्होंने कई ने अपने परिजनों को तक को खोया है, उनको न तो शासन की तरफ से 1 रुपए का भी कोई अनुदान या कुछ उनकी सहायता मिली है, आप हमें वो भी नहीं चाहिए। आप बस केवल उनके परिजनों को वापस लौटा दीजिए, आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए। क्या मांग थी आप लोगों की, क्या मांग लेके आए थे आप? हमारी मांग थी कि जो कोरोना वॉरियर्स यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे ये कोविड के समय पर उनको सरकार ने लिया था स्थायी तौर पर, लेकिन यूजन थ्रू की पॉलिसी अपनाई सरकार ने और उनको सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसमें फार्मासिस्ट थे, नर्सिंग मेल फीमेल स्टाफ था, लैब टेक्नीशियन थे, हमारे साथी थे। तो हमारी सरकार से ये मांग थी कि उनको वापस लिया जाए और वापस लेकर उनको कम से कम नियमितीकरण किया जाए, उनका संविदा दी जाए, उनके साथ रोजगार उनको दिया जाए। आप तो ऐसा काम कर रहे हो कि पहले उनको काम पर ले लिया और अभी तो कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ, उससे पहले ही यूजन थ्रू कर दिया। तो हमारी सरकार से ये मांग थी कि हम हमारे साथ में संवाद कर दी, हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हम बड़े आराम से और शांतिप्रिय तरीका से अपना आंदोलन कर रहे थे और ऐसा आंदोलन जो बिल्कुल डिसिप्लिन में था, हर आदमी एप्रन के साथ में था, मास्क लगाए हुए था और पुलिस प्रशासन का पूरा हम साथ दे रहे थे, हम शासन के विरोध में नहीं थे। हम यहाँ पे ऐसा आंदोलन कर रहे थे जो अन्य प्रदेशों में और वहाँ पे नहीं होता, ऐसा हम शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमारे सरकार ने हमारे साथ में पुलिस प्रशासन ने ऐसा अत्याचार किया और दमन की नीति अपनाई और इस दमन की नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप भी थे यहाँ पर, आपने डंडे खाए? जी सर, शासन को नौकरी देने का अधिकार है, ना कि नौकरी छीनने का अधिकार है। आज हम जो यहाँ पर कोरोना योद्धा जो एकत्रित हुए हैं, हम अपनी अपनी मांगों को लेकर ही यहाँ से जाएंगे। तो आप लोगों को आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? सर, हम सारे ब्लॉकों से आए हैं, सारे जिलों से, मध्य प्रदेश के। कितने लोग थे? 4000। आप लोगों को साथ में आपके जो साथी थे उन लोगों को यहाँ से कैसे कहाँ पहुँचा दिया गया? सर, उनको यहाँ से लाठी चार्ज किया गया और उनको बेरहमी टाइप से मतलब टांग के गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। आप तो भागे थे यहाँ? हाँ, भागे थे यहाँ। उन्होंने ऐसा प्लान किया, पहले हम लोगों को लॉक में बंद कर दिया ताकि कोई मीडिया कवरेज नहीं मिल पाए और हमने देखा कि आप लोग कितने सारे लोग आए थे और वो बाहर से ही पुलिस वालों ने उनको वापस कर दिया था, अंदर हमसे बातचीत ही करने दे रहे थे। तो ये सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग की थी हम लोगों को यहाँ, हम कल 3 दिन से हैं और हमने उनसे अनुमति लेके बाकायदा और यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पहले लॉक किया, उसके बाद फिर उन्होंने हम लोगों को डंडा बजाने शुरू कर दिया, बोले यहाँ से भागो। और सारे प्रदेश के लोग थे, एकदम कहाँ भागे, और हमारी जायज मांग है, हम कुछ और नहीं मांग रहे। ठीक है, तो ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिन्होंने लगातार 9 महीने यहाँ पर ड्यूटी की थी और उस दौरान जो चाहे वो कोविड में चाहे सैंपलिंग का काम हो, चाहे वो जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी पूरी देखरेख हो, इस दौरान 3 महीने का इनको ट्रेनिंग दी थी और 3 महीने का कमिटमेंट किया गया था। इसके बाद लगातार सरकार की तरफ से इस एग्रीमेंट को बढ़ाते बढ़ाते 9 महीने तक इनकी सेवाएं ली गई और इसके बाद इन्होंने जब नियमितीकरण की मांग की कि उनको नियमित किया जाए, उनको हटाया ना जाए, इसको लेकर यहाँ पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद बदले में इनको यहाँ पर पुलिस की लाठी खानी पड़ी। कैमरा पर्सन कमलेश श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।